नमस्कार मित्रों, मैं राजीव रंजन प्रसाद। भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग अर्थात गुप्त काल पर चर्चा रोमांचित करती है। इस शासनावधि के गौरवशाली शासक समुद्रगुप्त पर मैंने पहले भी एक कार्यक्रम में चर्चा की है। अनेक साथियों ने काचगुप्त पर एक अलग से कार्यक्रम प्रस्तुत करने का आग्रह किया था। साथियों की इस जिज्ञासा का अर्थ मैं समझ सकता हूं, क्योंकि काच के होने के भी साक्ष्य मिलते हैं और उसके न होने के भी समुचित तर्क हैं। काचगुप्त के सिक्के भी उपलब्ध हैं। इसके बाद भी अनेक इतिहासकार यह मत प्रस्तुत करते हैं कि या तो काच एक विद्रोही राजकुमार था जिसने कुछ समय के लिए सिंहासन प्राप्त कर लिया था। अनेक का मत है कि सम्राट समुद्रगुप्त का ही दूसरा नाम काच था। कुछ घटोत्कच के साथ कुछ रामगुप्त के काच होने के संबंध में तर्क रखते हैं। जिस शासक के सिक्के उपलब्ध हैं उसके संबंध में इतनी भ्रांतियां और इतनी रहस्यमयताएं क्यों हैं? आइए अतीत में गहरे उतरकर इस गुत्थी को सुलझाने का प्रयास करते हैं। काचगुप्त की उपस्थिति तो निश्चित रूप से रही है। इस बात का साक्ष्य विशेष प्रकार के प्राप्त सिक्के हैं जिनके आगे के भाग में अंकित बाएं हाथ में चक्र अथवा ध्वज धारण किए हुए एक राजा खड़ा है। दाहिने हाथ से वह आहुति दे रहा है। उसके बाएं हाथ के मध्य काच एवं गाम वजित्य दिवम कर्मभिह उत्तमे जयति उत्कीर्णित है। सिक्के के पिछले भाग पर एक देवी खड़ी है और सर्वराजोच्छेता अंकित किया गया है। इन सिक्कों की विवेचना करने पर कई प्रकार की भ्रांतियां सामने आती हैं। यदि काचगुप्त ऐसा शासक था जिसने अपने लिए सर्वराजोच्छेता अथवा अनेक राजाओं पर विजय प्राप्त करने वाला जैसी उपाधि धारण की, तब उसका कार्य विस्तार अधिक समग्रता से प्राप्त होना चाहिए, जो कि प्रतीत नहीं होता। यह उपाधि न केवल समुद्रगुप्त धारण करते थे, साथ ही उनकी उपलब्धियों के यह अनुकूल भी थी। यही कारण है कि फ्लीट, एलन, राय चौधरी जैसे अनेक विद्वानों ने यह माना है कि काच नाम का तो कोई शासक था ही नहीं, समुद्रगुप्त ही काच है। गुप्त शासकों ने बहुधा दो नामों को धारण किया था। उनके अनुसार काच प्रारंभिक नाम था, समुद्रगुप्त नाम उन्होंने अपनी दिग्विजय के उपरांत धारण किया था, जिसका अर्थ होता है वह राजा जिसका राज्य समुद्र पर्यंत तक फैला हुआ हो। इस तर्क का प्रतिपक्ष यह है कि गुप्त शासकों ने अपने एक ही प्रचलित नाम से सिक्के जारी किए थे। जब समुद्रगुप्त नाम से सिक्के जारी हुए हैं तो उन्हें काच नाम से अलग से सिक्के जारी करने की आवश्यकता क्या थी? बात इतनी भर नहीं है। यह कहा जाता है कि काचगुप्त के सिक्कों और समुद्रगुप्त के सिक्कों में आश्चर्यजनक समानता है। थोड़ा इस बात की भी पड़ताल कर लेते हैं। यह सही है कि काचगुप्त की मुद्रा के आगे के भाग पर उत्कीर्णित गम वजित्य विरुद्ध समुद्रगुप्त की धनुर्धारी मुद्रा शैली के विरुद्ध से समानता रखता है। मुद्रा पर उकेरी गई काचगुप्त की आकृति के तौर तरीके भी समुद्रगुप्त से ही मेल खाते हैं। काच की मुद्रा के पृष्ठ भाग की देवी समुद्रगुप्त की व्याघ्र शैली एवं अश्वमेध शैली के पृष्ठ भाग पर उत्कीर्णित देवी के समान है। क्या इससे हम किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं? उत्तर है नहीं। ध्यान से विवेचित करें तो काच के सिक्के और समुद्रगुप्त के सिक्के बुनियादी रूप से अलग अलग हैं। काच के सिक्कों में पाश्चात्य प्रभाव है, जबकि समुद्रगुप्त के सिक्के भारतीय रंग संस्कारों में ढले हुए हैं। काच के सिक्कों में राजा का पहनावा प्राचीन स्काइथियन वेशभूषा का है, जबकि समुद्रगुप्त का पहनावा उनके सिक्कों में देशज है। काच के सिक्कों में देवी के हाथ में विषाण
कार्नुकोपिया है, समुद्रगुप्त के व्याग्र निहंत भाति के सिक्कों पर कमल है, समुद्रगुप्त के सिक्कों में देवी मकर पर खड़ी है जो भारतीय प्रतीक है, जबकि कांच के सिक्कों में देवी आसन पर खड़ी है। इसका सीधा अर्थ यही निकलता है कि जहां साम्यता दर्शाते अनेक पक्ष हैं, कांच को समुद्रगुप्त से अलग मानने के पर्याप्त आधार सिक्कों की विवेचना से ही निकल आते हैं। अगर समुद्रगुप्त और काचगुप्त पर्यायवाची नहीं थे तो और क्या क्या संभावनाएं बन सकती हैं? इतिहासकार अयंगर सहित कुछ अन्य विद्वानों ने घटोत्कच और काच को एक ही व्यक्ति माना है। ऐसा मानने के पीछे तर्क है कि घटोत्कच का लघु रूप काच हो सकता है, परंतु इस बात को भी थोड़ा बारीकी से देखिए। घटोत्कच का संक्षिप्त रूप उत्कच अथवा कच होगा, काच नहीं। इसके अतिरिक्त दूसरी बात यह कि घटोत्कच जब शासन कर रहे थे तब साम्राज्य अपने स्थायित्व के लिए ही संघर्ष कर रहा था। उनकी स्थिति एक राजा अथवा सामंत जैसी थी, अतः सर्वराजोच्छेता उपाधि उनके साथ भी सही नहीं बैठती। पूना ताम्रलेख से यह पता चलता है कि समुद्रगुप्त द्वितीय ने भी यही उपाधि धारण की थी, इसलिए केवल नाम साम्यता या उपाधि साम्यता के आधार पर कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। इतिहासकार डॉक्टर भंडारकर ने गुप्तकालीन लिपि के आधार पर काच तथा रामगुप्त को एक बताया है। इस तर्क का आधार यह है कि देवी चंद्रगुप्तम नाटक में रामगुप्त नाम केवल एक बार आता है। संभव है कि लेखक ने असावधानी में काचगुप्त के स्थान पर रामगुप्त लिख दिया हो। डॉक्टर आलतेकर और डॉक्टर भंडारकर भी इसी मत के हैं और मानते हैं कि काच ने समुद्रगुप्त के उपरांत शासन किया था और वह कोई और नहीं रामगुप्त ही था। सोचिए कि क्या किसी काल्पनिक भूल के आधार पर कोई निष्कर्ष निकाला जा सकता है? मेरा उत्तर होगा ऐसा अनुचित है। जब काच को लेकर इतिहासकारों में एकमत नहीं हुआ तो डॉक्टर परमेश्वरी लाल गुप्त ने शब्दार्थ से ही निष्कर्ष निकालना चाहा। उनके अनुसार काच का अर्थ भस्म होता है। उन्होंने आर्य मंजूश्री मूल कल्प का साक्ष्य देते हुए यह बताया है कि समुद्रगुप्त के एक सौतेले भाई का नाम भस्म था। जब समुद्रगुप्त दिग्विजय के लिए निकले तब भस्म ने सिंहासन हथिया लिया होगा। यह तर्क भी समुचित तथ्यों के अभाव में स्वीकार नहीं किया जा सकता। इस तरह काच का रहस्य घटता नहीं बल्कि बढ़ता जाता है। हर तर्क का प्रतिपक्ष उपस्थित है। कुछ ऐसे ही मत मतांतर और देखते हैं। इतिहासकार राखाल दास बैनर्जी मानते हैं कि अपने नाम से जारी मुद्राओं का प्रवर्तक काच स्वयं नहीं था। उनका विचार है कि काच ने तो कोई विद्रोह भी नहीं किया, वह कुषाणों से युद्ध करता हुआ मारा गया था। स्वयं समुद्रगुप्त ने अपने इस भाई की स्मृति में उसके नाम से अंकित स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन करवाया था। श्री बैनर्जी का यह निष्कर्ष इस आधार पर अमान्य किया जाता है कि समुद्रगुप्त का कोई भाई कभी भी कुषाणों से युद्ध करता हुआ मारा गया हो, ऐसे साक्ष्य नहीं मिलते। श्री एम कृष्णाचार्य भविष्योत्तर पुराण के कलयुग राज वृतांत से एक उद्धरण लेकर अपनी कृति शास्त्रीय साहित्य का इतिहास में जो लिखते हैं उसके अनुसार चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने पुत्र काच की सहायता से आंध्रों को मगध से खदेड़ दिया। कृष्णाचार्य के इस अभिमत को विद्वान समयोचित साक्ष्य के अभाव में अमान्य कर देते हैं। सब और असहमति है। तब क्या काचगुप्त अनायास ही चर्चा में है, अथवा कोई काल्पनिक चरित्र जिसने अपने नाम के सिक्के जारी किए? उसकी वास्तविकता में कोई संदेह नहीं होना चाहिए। बहुतायत विद्वानों ने प्रयाग प्रशस्ति से बाहर आती हुई अस्पष्ट ध्वनियों को सुनने का प्रयास किया है, जिससे काच का बोध होता है। प्रयाग प्रशस्ति को समझने का प्रयास करें तो रोचक अतीत से सामना होता है, जिसके अनुसार
आरंभिक गुप्त शासकों में रहे चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने योग्य शासन से साम्राज्य को स्थिरता प्रदान कर दी थी। वे अब अपनी उम्र के चौथे पड़ाव में थे तथा प्रशासन संचालन से अधिक उनका मन ईश्वर और आध्यात्म की दिशा में लगने लगा था। एक शासक के लिए समस्या होती है कि वह अपना सिंहासन शांतिपूर्ण कैसे किसी योग्य उत्तराधिकारी को सौंप सके। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति के चौथे श्लोक में राजा चंद्रगुप्त प्रथम की मनःस्थिति और उनके दरबार में घटित एक ऐसी घटना की जानकारी मिलती है जो उन समयों में असाधारण कही जा सकती है। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता हरिषेण ने मर्म स्पर्शी वर्णन करते हुए लिखा है, भरी राज परिषद में रोमांचित गात्र और स्नेह से व्याकुलित तथा अश्रुपूर्ण किंतु तत्वदर्शी नयनों से देखते हुए राजा ने अपने पुत्र समुद्रगुप्त का आलिंगन किया और उसने कहा, तुम आर्य हो, इस समस्त पृथ्वी का पालन करो। हरिषेण ने आगे लिखा है, इस घोषणा से सभ्य उच्छ्वसित हो उठे, अर्थात सभासदों में हर्ष की लहर दौड़ गई। वहीं समुद्रगुप्त के तुल्य कुल वालों के हृदय ईर्ष्या से जल गए और उन्होंने म्लान मुखों से उस विजयी भाग्यशाली की ओर दृष्टिपात किया। समुद्रगुप्त के तुल्य कुल वालों में ईर्ष्या का भाव था, द्वेष झलक रहा था, मुख म्लान था। यहां प्रयुक्त तुल्य कुलज शब्द की विवेचना करना आवश्यक है, जिसका सामान्य अर्थ है समान कुल में जन्मे हुए लोग। एक ही कुल में जन्मे सभी तो सिंहासन के अधिकारी नहीं होते। परिपाटी रही है कि सिंहासन के लिए संघर्ष प्रायः राजपुत्रों के मध्य हुए हैं। ऐसे में यहां तुल्य कुलज का अर्थ है सहोदर अथवा भाई। स्वाभाविक था कि अन्य राजकुमार भी सिंहासन प्राप्त करने की लालसा तो रखते ही होंगे। संभावना है कि असंतुष्ट राजकुमारों ने समुद्रगुप्त के विरुद्ध विद्रोह कर दिया, जिसका नेतृत्व काच नाम के राजकुमार ने किया। इस तर्क को अनेक इतिहासकार जैसे हेरास, तांडेकर, परमेश्वरी लाल गुप्त आदि भी मान्य करते हैं। तो क्या सचमुच काचगुप्त की समग्र विवेचना से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि सिंहासन प्राप्त होते ही समुद्रगुप्त को अपने प्रतिद्वंदी भाइयों का सामना करना पड़ा था? उनके भाई काच ने गृह युद्ध का नेतृत्व किया होगा। संभावना है कि समुद्रगुप्त अपने किसी अभियान में राजधानी से बाहर थे, तब उनकी अनुपस्थिति में काच ने अल्पकाल के लिए सिंहासन पर अधिकार कर लिया। इसी अवधि में उसने अपनी मुद्राएं चला दी। संज्ञान ले कि सम्राट समुद्रगुप्त के इस घुसपैठिए अथवा प्रतिद्वंदी भाई के संबंध में और कुछ ज्ञात नहीं होता है। यह संभावना है कि अभियान से लौटते ही समुद्रगुप्त द्वारा काच का दमन किया गया, जिसके पश्चात या तो वह भयभीत होकर नतमस्तक हो गया अथवा यह भी संभव है कि वह युद्ध करता हुआ मारा गया हो। साक्ष्यों की उपलब्धता के कारण आप काचगुप्त को झुठलाकर परे नहीं कर सकते, तथापि अभी और गंभीरता से अध्ययन करने की आवश्यकता है। तब तक काचगुप्त एक पहेली ही बने रहेंगे। मित्रों, आज इतना ही, फिर मिलता हूं ऐसे ही किसी ऐतिहासिक तथ्य के साथ। अगर आपको मेरा यह चैनल पसंद आ रहा है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। आप इस प्रस्तुति को लाइक या शेयर भी कर सकते हैं। नमस्कार।